आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समंदर के बीचों बीच है, और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते, ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना? इसमें भी आग नहीं लगी। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ, लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड है, ऐसा कह सकते हो। और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाओ, इन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ओ, ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ आओ और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। रुको रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल हो गया ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ ठीक। जिमी, तुम मॉम जैसे हो, शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटे बदल रहे थे, और हमसे मेरा मतलब है मैं। तो अच्छी बात ये है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर, बैठने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे, और एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। हम कुछ लंबी और मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम कैंप के ऊपर लगा सके, ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए। और जब तक हम नए कैंप के लिए सामान जुटाने में बिजी थे, मैक और नोलन बिजी थे सीट्स ढूंढने में। तुमने वो देखा? हाँ। वो ऑरेंज चीज क्या है? हम इसे एक बाउंसी सीट बना सकते हैं। डूड, ये एक बोई है। यहाँ एक नेट भी है, हम इस नेट से मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? भागो, जान बचाओ। जिमी, हमें एक बुई मिली है, ये मुलायम गद्दा बनेगी। तुमने ये चुराया है? नहीं। क्या इसने ये चुराया? समंदर हमारे पास लाया है। तो ये चोरी नहीं हुई? या, बढ़िया, मुझे ये चलेगा। और बाकी दिन मैं, चैनलर और शॉन कैंप को अपग्रेड कर रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ भी धूप आ रही है, शायद इसीलिए क्योंकि सूरज नीचे है। करीब 90% यहाँ पर छाव ही रहेगी। मैक और नोलन नारियल तोड़ रहे थे। ठीक है, संभल कर, चाकू बहुत बड़ा है। है। ये तो बढ़िया है। और ऑफ कोर्स चिकन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ए, चिकन्स, भागो, भागो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनकी जान बचाई। दूसरा दिन खत्म होने वाला है, तो तुम सबको कैसा लग रहा है? मैं थक गया हूँ लेकिन मजा आ रहा है। नोलन, बहुत ही बढ़िया। शायद हम इस बात से सहमत होंगे कि हम उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी। मगर अभी के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यों हैं, तो चैनल को देखो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही नहा सकते हैं। बाकी पानी खाना बनाने में और डिहाइड्रेशन से ना मरने में काम आएगा। जानते हो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? हमारे पास 10 पानी के कार्टन्स थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं। आज दूसरा दिन है। जानता हूँ, यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, सही कहा। रुको, तुमने अभी क्या कहा? शॉन, थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, सॉरी। काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये वही मैक है जो ये वाली वीडियो में हारा था। यानी इसने इस चैनल पर पिछले 2 महीनों में करीब $1.5 million हारे हैं। यार, ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परेशान कर रहे थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई, शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो।